नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज, आप देख रहे हैं चुनाव आज का दाव। और आज के दाव में बात बांसवाड़ा से लोकसभा उम्मीदवार अरविंद डामोर की होगी, जिनको कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल 6 सालों के लिए निष्कासित कर दिया है, लेकिन वो पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। बड़ी दिलचस्प स्थिति है। अरविंद डामोर ने मीडिया से कहा कि मैं डंके की चोट पर चुनाव लड़ूंगा। सिंबल देने के बाद अपने प्रत्याशी अरविंद डामोर के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी ही खुद उतर आई है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के आदेश और निर्देशों को मान नहीं रहे हैं, पार्टी से वफादारी दिखा नहीं रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार राजकुमार रोत का समर्थन कर रही है, यही विवाद की जड़ बन गया है। नामांकन वापस नहीं लेने पर कांग्रेस ने अरविंद डामोर को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिस पर अब अरविंद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने मुझे बेवकूफ बनाकर फॉर्म ही क्यों भरवाया, मेरा 17 साल का राजनीतिक करियर दांव पर लगा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को नामांकन वापस लेना था तो मुझे पहले ही बता दिया होता, मैंने अर्जुन सिंह बामनिया के कहने पर फॉर्म भरा था। पार्टी ने भले ही निष्कासित कर दिया हो, लेकिन पार्टी का सिंबल मेरे साथ है, निष्कासन की जगह पार्टी बलिदान भी मांगती तो दे देता, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। मैं अगर घर बैठ जाता तो क्षेत्र के युवा, विद्यार्थी, बुजुर्ग कहेंगे कि हमने आपके लिए आवाज़ उठाई और फिर आपने खुद ही पैर पीछे खींच लिए। मुझे बेवकूफ़ बनाकर फॉर्म भरवाया गया, मुझे गठबंधन की बात पहले नहीं बताई गई। लोकतंत्र को बचाना ही है तो भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे देती, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। अब तो मैं डंके की चोट पर चुनाव लड़ूंगा, ये कहना है कांग्रेस के पूर्व अभी उम्मीदवार तो अरविंद डामोर ही हैं, हालांकि ऑफिशियल रूप से नहीं, लेकिन कांग्रेस नेताओं से संपर्क नहीं होने को लेकर अरविंद डामोर ने भी सफाई दी। कहा कि मैं ऐसे इलाकों में प्रचार पर गया था जहां मोबाइल नेटवर्क ही नहीं था। तो अरविंद डामोर के निष्कासन के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित प्रत्याशी अरविंद डामोर ने स्थानीय नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया। क्या कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको। तो ये कोरी अफवाह है, मैं पूरा दिन सागवाड़ विधानसभा में आज सुबह ही 9-10 बजे निकला हूँ और ये सब कह रहे हैं कि गायब है, गायब है, कोई गायब नहीं है। मैं सागवाड़ा और 84 विधानसभा में प्रचार के दौरान मेरा संपर्क उनसे नहीं हुआ और उनका भी मेरे से संपर्क नहीं हुआ है, मैं प्रचार के दौरान था। आज उनका कहना है कि हम तो बाप पार्टी का गठबंधन किया, उनका सपोर्ट करेंगे, हम भी करें। वो उनके बयान पे स्टैंड रहे, मैं मेरे बयान पे स्टैंड हूँ। अगर मेरे से फॉर्म विड्रॉल कराना ही था तो ये सूचना मेरे को जिस दिन फॉर्म भरना था उसी दिन करते थे, ताकि मैं फॉर्म नहीं भरता, उस दिन मैं फॉर्म नहीं करता। मुझे क्यों बेवकूफ बनाकर अर्जुन सिंह जी बामनिया ने फॉर्म भरवाया? अगर फॉर्म वापिस विड्रॉल ही कराना था तो मेरे से फॉर्म नहीं भरवाना था। ये सीधा बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जितने भी युवा जो कांग्रेस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस विचारधारा को मानते हैं, कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता विपक्षीय चाहे बाप हो चाहे बीजेपी हो, इन दोनों से लड़ते हैं, उन युवाओं के लिए, उन विचारधारा के बुद्धिजीवियों के लिए मेरी लड़ाई है कि मैं उनके लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए स्टैंड रहूं और चुनाव लड़ूं और चुनाव को जीतूं। प्रत्याशी को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद कांग्रेस अब खुलकर बीजेपी के समर्थन में आ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और बीएपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर, ये सुनिए। ये पार्टी आलाकमान ने निर्णय लिया है कि हम लोकतंत्र, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में तानाशाही सरकार को हटाने के लिए हमने इंडिया अलायंस बनाया और हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प लिया। इसलिए हमारे पार्टी आलाकमान को ये लगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो एक उम्मीदवार होने से ही हारेगी, इसलिए हमने वहां पर विधानसभा में बांसवाड़ा बागीदोरा में और लोकसभा बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा डूंगरपुर का एक लोकसभा है उसमें हमारे उम्मीदवार को नई उम्मीदवार मान करके हमने उनको बाप को समर्थन दिया, बाप पार्टी को समर्थन दिया है। अब फार्म उठेगा नहीं उठेगा ये काल्पनिक सवाल है। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर रंधावा साहब की तरफ से कल एक स्टेटमेंट आया था जिसके तहत उन्होंने कहा था कि डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र और बागीदोरा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशियों का समर्थन करेगी और उसका भारत आदिवासी पार्टी ने तहे दिल से स्वागत किया था, लेकिन
अभी जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में आकर के कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जो है प्रचार करना चाहिए और अपने उन दोनों जो बागी प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ जो है एक कार्यवाही होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। तो बांसवाड़ा डूंगरपुर पर लोकसभा की इस लड़ाई में अब तमाम तर्क सामने आ रहे हैं। किसका तर्क जो है वो तर्क संगत कहा जा सकता है, किसकी बात को, इस पर आज चर्चा करेंगे क्योंकि ये विषय बड़ा दिलचस्प हो गया है, इस सीट पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है और क्या कुछ पेच अब इसमें फंसे हुए हैं, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर सीबी यादव कांग्रेस के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सुरेश गर्ग साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर एनडीटीवी राजस्थान पर। शुरुआत डॉक्टर साहब आपसे कर रहे हैं। सीबी यादव साहब, कांग्रेस कई बार कोशिश करती हुई दिखाई देती है कि कुछ तिकड़म बिठा करके, कुछ गणित बैठा करके इक्वेशंस को बदल दिया जाए, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाता है सीबी यादव साहब कि सब कुछ जो है बड़ा मेस्डअप हो जाता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर पर काफी मेस्डअप हो गया है आपका कैलकुलेशन। जी राहुल जी, कांग्रेस पार्टी कोई तिकड़म बिठाती नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश को आजाद करवाने और इस देश की बुनियाद रखने से लेकर के आज तक इस देश को इस मुकाम तक पहुंचाने वाली पार्टी रही है। जहां तक बांसवाड़ा का जो घटनाक्रम है, निश्चित तौर पर ही ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अभी जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी बताया, हम कांग्रेस पार्टी इस 2024 का जो लोकसभा चुनाव है राहुल जी, ये चुनाव साधारण तरीके से नहीं ले रही है, इसे इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के रूप में ले रही है और इस रूप में कांग्रेस पार्टी जहां अपने आप को त्याग करना है, दो कदम पीछे हटना है, वो सारी चीजें एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए हर जगह इस तरह के फैसले कांग्रेस पार्टी का जो हाईकमान है वो ले रहा है और इसी क्रम में बांसवाड़ा में जो भी निर्णय हुआ वो केवल इसी क्रम के भीतर एक निर्णय है कि हम वोटों का विभाजन न हो और जो संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कर्म है और जो दिखाई दे रही है, उनकी दृष्टि दिखाई दे रही है, जिनके जैसे कि उनके सांसद भी कह रहे हैं कि संविधान बदलना है, लोकतंत्र को खत्म करने की जिस तरह से उनकी जो तमाम चाले हैं उनको आगे न जारी रखा जा सके और इस चुनाव में उनको परास्त किया जा सके, इसी क्रम के भीतर बांसवाड़ा के भीतर भी भारत जो बाप पार्टी है उसको समर्थन देने का हमारा हाईकमान ने निर्णय लिया। लेकिन डॉक्टर सीबी यादव, ये जो बदलाव का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है, इस लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में जो आपके खुद के नेता हैं, जो खुद के उम्मीदवार हैं, उनको तो आपको लूप में रखना चाहिए था ना। हाँ, निश्चित तौर पर ही मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जब पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है उसे आदेश दिया जाता है, वो तय नहीं करता है कि क्या सही है फैसला है या क्या गलत फैसला, उसे एक सैनिक की बात ही उस फैसले को मानना होता है, फॉर्म भरवाना है, पार्टी का हाईकमान का निर्णय, उन्हें ऐसा करना था, उन्होंने ऐसा किया, फॉर्म वापस विड्रॉ करना है, उन्हें ऐसा ही करना था, उन्होंने ये दुर्भाग्य है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, तो ये वो ही बता सकते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों नहीं किया। नहीं तो सीबीएस साहब, प्रैक्टिकल स्थिति भी समझनी पड़ेगी ना, वो बता भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बताया नहीं, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि भाई मैं अब लगातार तमाम दिनों से चुनाव प्रचार में जुटा हूं, कई साथी मेरे साथ जुड़े हैं, कई लोगों को मेरे से अब उम्मीद जागी है, या एटलीस्ट मैंने कई लोगों को ये वादे किए हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे को सपोर्ट कीजिए, बहुत सारी चीजें ग्राउंड पर होती हैं, आप समझते हैं जब उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी को रखता है जनता के सामने और फिर पार्टी हाथ खींच ले तो फिर बीच भवन में तो छोड़ दिया आपने उनको। जी जी, आपसे या किसी भी राजनीति को समझने वाले व्यक्ति से पूछता हूँ कि क्या किसी व्यक्ति का निजी हित क्या पार्टी हित और राष्ट्र हित से ऊपर हो सकता है? इस समय पार्टी हित को तो कौन तय करेगा? नहीं तो पार्टी हित तो सर, ये सीबी यादव साहब ये वाली बात तो तब होती है जब पार्टी की क्या है और देश का हित क्या है। देश का हित भी है कि हम लोकतंत्र और संविधान विरोधी ताकतों को परास्त करें, पार्टी हित भी है कि जो पार्टी का हाईकमान जो निर्णय लेगा वही होगा। उसके सामने किसी एक कार्यकर्ता ये कहे कि मैं मेरी वजह से कांग्रेस पार्टी है तो ये बहुत गलत बात है। वो कांग्रेस पार्टी की वजह से वो कार्यकर्ता है और उसे जो आदेश दिया जाना चाहिए वो पालन करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पार्टी ने निष्कासित कर दिया। ठीक है, लेकिन यादव जी आपको लगता नहीं मैं कह रहा हूँ, आपको लगता नहीं कि ये जो पूरा जो आप लोगों ने जैसे बताया कि आप बता रहे हैं कि भाई पार्टी के हित के लिए कार्यकर्ता काम करे, सब बात ठीक है, लेकिन क्या लास्ट तक भी आप लोग अपना कैलकुलेशन क्लियर नहीं कर पाए? नहीं लगेगा, किसी
किसी को भी नहीं लगेगा कि हर पार्टी के भीतर इस तरह से तमाम चीजें हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 11 सांसदों को टिकट काट दिए, सांसद जिन्होंने 5-5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, और वो बेचारे आज बिल्कुल घर में दुबक के बैठे हैं, लेकिन आप और हम चर्चा नहीं करते हैं। नहीं, चर्चा करते हैं बिल्कुल, और चर्चा बिल्कुल करते हैं डॉक्टर साहब, चर्चा करते हैं और चर्चा करते हैं, तभी तो ये सारे विषय निकल के सामने आते हैं। अनुशासनहीनता की तो पार्टी ने कार्रवाई की है, और पार्टी को कार्रवाई की है क्योंकि पार्टी के पास विकल्प होते हैं, उन्होंने अनुशासनहीनता की है, पार्टी का आदेश नहीं माना, पार्टी ने कार्रवाई कर दी। भारतीय जनता जो भारतीय आदिवासी पार्टी है उनके समर्थन में तमाम कांग्रेस का कैडर है, वो प्रचार करेगा, ठीक है। लेकिन आपको लगता है कि आपको लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी देरी हो गई, कुछ चीजों को बेहतर किया जा सकता था? नहीं, पार्टी की जो तात्कालिक स्थिति क्या रही है वो तो पार्टी हाईकमान ही बता सकता, मैं कैसे बता सकता हूँ कि किन परिस्थितियों के भीतर क्या निर्णय लेने पड़े हैं, और तमाम विकट परिस्थितियों में जो निर्णय लेने पड़े होंगे उनमें पार्टी हाईकमान ने सही निर्णय लिया होगा, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें नहीं होती तो और बेहतर होता। हाँ, क्योंकि इससे आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बल मिल रहा है और ज्यादा मजबूती मिल रही है कहीं ना कहीं आपका मतदाता? क्योंकि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेसिकली का पार्टी का जो कैडर है, पार्टी का जो मतदाता है, वो पार्टी की ताकत होती है। आप कोई गलती से अगर मान लीजिए कि उनको सिंबल है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई व्यक्ति पर भी 0% भी फर्क पड़ेगा। सुरेश गर्ग जी के पास चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते से सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, बांसवाड़ा डूंगरपुर पर कांग्रेस के प्रवक्ता तो दावा कर रहे हैं कि तमाम चीजें उनके पार्टी की तरफ से बैकएंड में तो ठीक है, भले ही सामने कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही हो, बीजेपी इस सीट पर अपने विपक्ष की स्थिति पर क्या राय मौजूदा वक्त में रख रही है? लेकिन राहुल भाई, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में पूरी 25 की 25 सीटें जीत के आ रही है, हमारे को किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि हम जीत के नहीं आ रहे, हमारे को कोई डाउट नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जयपुर के अंदर इन्होंने सुशील शर्मा को टिकट दिया था, इसके बाद में सुशील शर्मा जी ने अपना टिकट वापस कर दिया, फिर इसके बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास जी नामांकन करते हैं, जिस तरीके से राजसमंद के अंदर देखा होगा कि राजसमंद के अंदर क्या हुआ कि भाई मुझे तो दे दिया जबकि मेरी तो इच्छा ही नहीं थी टिकट देने की, और किसी युवा को दे, अगर 50 साल का व्यक्ति अपना आपको बूढ़ा समझता है तो इससे पता लग जाता है कि कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। इसी तरीके से आज हनुमान बेनीवाल जी का भी स्टेटमेंट, हनुमान बेनीवाल जी करते कि मैंने 4 बार मना किया था कि मुझे चुनाव में मत लड़ाओ, इसके बाद में जबरदस्ती हनुमान बेनीवाल जी को ये लड़ा देते हैं, तो इस तरीके से इनकी जो दशा है। इसी तरीके से ब्रजेंद्र ओला जी ने खुद ने मना किया है कि नहीं, मुझे भी जबरदस्ती चुनाव के अंदर उतारा गया झुंझुनू के अंदर, तो पूरे राजस्थान के अंदर इनकी ये स्थिति है कि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इनने बांसवाड़ा के अंदर जो कैंडिडेट था वो कैंडिडेट था अर्जुन बामने, जिनको ये आधिकारिक रूप से कैंडिडेट बना रहे थे, लेकिन उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इसके बाद में अरविंद डावोर को एक प्रत्याशी के रूप में इन्होंने बना और उसको सिंबल दे दिया। तो इनकी जो स्थिति है वो ये असमंजस की स्थिति में है कि इनको करना क्या है। नहीं तो ये स्थिति आपको लगता है कि आपके कैंपेन के लिए और ज्यादा ये फायदेमंद हो गई है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो कोई चुनौती नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है, पिछले जो वोटों से है उससे ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत के आएगा। लेकिन कांग्रेस का गणित कह रहा है, गर्ग साहब, कांग्रेस का गणित कह रहा है कि बीजेपी के मतदाताओं को हमने साथ जोड़ लिया, कांग्रेस का मतदाता उसके साथ है ही, जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी। आज की तारीख में राहुल भाई, आज की तारीख में सिर्फ मोदी जी को जानता है, आज पूरे हिंदुस्तान का मतदाता सिर्फ मोदी जी को जानता नहीं, तो विधानसभा चुनावों में बीएपी का कितना वोट प्रतिशत बढ़ा ये तो आप जान ही रहे। बीएपी का वोट प्रतिशत विधानसभा चुनावों में हमने देखा कि पहले से ज्यादा, काफी ज्यादा बढ़ा है, तो ये एक बड़ा इफेक्ट है कि कांग्रेस ने सोचा कि भाई हम पीछे हट जाते हैं, बीएपी को आगे ले लेते हैं, शायद यहां से बीजेपी को हम टैकल कर सकते हैं। देखिए, इनके जो गठबंधन है, गठबंधन में भी आपस में मनमुटाव और विश्वास नहीं है। आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग गठबंधन कहां से, इंडिया अलायंस कहां से स्टार्ट हुआ था, नीतीश कुमार जी से स्टार्ट हुआ था, नीतीश कुमार जी इनको छोड़ के चले गए, इसके बाद में ममता बनर्जी इनको छोड़ के गए, अभी केजरीवाल जी का पता नहीं है कि इनकी जो आम आदमी की पार्टी उनकी क्या स्थिति है, तो इनके गठबंधन जो है वो इनके साथ चुनाव लड़ने को चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस गठबंधन बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीत के आ रही है, इनको खुद को कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए। एक व्यक्ति को बार बार लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा, 19 बार इन्होंने लॉन्च किया और वो वापस नीचे आ जाता है, तो उस लॉन्च वो तो वहां पर वो तो वहां राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ी नहीं रहे ना, वो तो स्थानीय मुद्दों और बाकी चीजों को लेकर आ रहे हैं। ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए गर्ग साहब रुक रहा हूं, जब वापस लौटेंगे तो चर्चा जरा इस बात की करेंगे कि अगर बीजेपी के सामने कांग्रेस बीएपी का गठबंधन चुनौती नहीं है तो क्या कुछ और चुनौती भी है या नहीं। तो आज के दावों में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर फंसे इस पेच की, जिसने राजनीति को उस क्षेत्र में बड़ा दिलचस्प बना दिया है।
डॉक्टर सीबी यादव कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से हमारे साथ डिस्कशन में जुड़े हुए हैं और सुरेश गर्ग साहब बीजेपी प्रवक्ता के नाते से हैं। ब्रेक से पहले सर बात यही हो रही थी कि गर्ग साहब तो कह रहे हैं यादव जी की कोई चुनौती ही नहीं है। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या बीजेपी और कांग्रेस के गठबंधन से कुछ नुकसान हो सकता है या ये प्रत्याशियों का जो थोड़ा गड़बड़ हुआ है कांग्रेस में इससे फायदा हो सकता है, तो वो कह रहे हैं कि ना नुकसान फायदा हमें कोई मतलब ही नहीं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये वाला हिसाब कह रहे हैं। तो अगर कोई चुनौती नहीं है राहुल जी, आप भी एक एक एज ए पत्रकार भी आप इस बात को सोच सकते हैं और क्यों पड़े हो चक्कर में। तो हमारे जो चुकता नेता है, जो भ्रष्ट नेता है, जिन पे लोग पानी पी पी के आरोप लगाते हैं, ऐसे तमाम भ्रष्ट नेताओं को लेकर के अपनी पार्टी को डस्टबिन पार्टी क्यों बनाती, पूरी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को आज कूड़ादान पार्टी बना लिया है, ये कभी करने की नौबत नहीं आती है। इसलिए इस बात को तो आप ये किसी भी तरह से कहें, देखिए आप जी हमने कोई बात ही नहीं रखी है, आपकी शायद आप भी बहस की इस नैतिकता का पालन करेंगे, आपकी अपेक्षा रहेगी आपके कार्यकाल में। ठीक है आप बोल लीजिए ना, भ्रष्टाचार किया है यादव साहब आपने, ये चीज आपका मीडिया ही आपका है सुरेश जी, पूरा मीडिया ही आप ही का है, अगर उन्होंने कह रहे हैं पूरा मीडिया आपका, इस पे आप ही बोलिए, आप हटा दीजिए विपक्ष को जो नाम मात्र। ठीक है सुरेश जी एक बार जवाब सुन लेते हैं, सुरेश जी एक बार रुकेंगे आपका ही है आपका, यादव जी ये क्या बात होती है मीडिया आपका ये सब क्या होता है, आप जवाब दीजिए ना, मीडिया आपका क्या है, आपको भी उतना स्पेस मिल रहा है, सुनिए यादव जी आपको भी उतना ही स्पेस मिल रहा है सर, और वो भी स्क्रीन पे उतने ही एरिया में जितने पे आप हैं। ठीक है अब आप एंकर की जगह आकर के बैठना चाहते हैं तो आप एंकर की जगह आ जाइए, आप एंकर की जगह तो नहीं बैठना चाहते हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता की जगह बैठना चाहते हैं ना, वहीं आप बैठे हैं, आप जवाब दीजिए अपना। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का जो व्यवहार है वो इसी तरह का व्यवहार है कि उन्हें लगता है कि मीडिया उनकी बपोती है और इसीलिए वो दूसरों को क्या, तो मेरा यही सवाल, तो यहीं से एक सवाल लेते हैं सीबी यादव साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो जिस तरह के व्यवहार का आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि बहुत करप्टेड लीडर्स उनके पास हैं, मेरा सवाल आपसे ये है क्या प्रदेश की जनता तक आप ये अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो पा रहे हैं? क्यों नहीं, हमारे पास जो परंपरागत तरीके थे, क्योंकि जैसे हमारे मुद्दों को मीडिया नहीं ले रहा था, तो गर्ग साहब जवाब सुन लेते हैं, पहले जवाब बीच में इंटरप्ट, गर्ग साहब बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे, जवाब सुन लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पदयात्रा भारत जोड़ो यात्रा हमने निकाली है, नहीं है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि विधानसभा चुनावों में उस तरह से आपको उसका फल नहीं मिल पाया सर। देखिए विधानसभा चुनावों के भीतर भी अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 1% का अंतर है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा अंतर नहीं है, और चूंकि आपको पता है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है और चुनाव के भीतर लेवल प्लेइंग होती है, जैसे मैदान होता है ना कि खिलाड़ियों के लिए बराबर का मैदान होता है, आज बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, बीजेपी का असंवैधानिक, मैं ये पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, असंवैधानिक करार दिए गए इलीगल इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसों से भारतीय जनता पार्टी नहीं, तो आप लड़ रही है, आपके मुद्दे क्या है, आप राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं क्या राजस्थान में, आपने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या राहुल गांधी के चेहरे पर आप राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं या आपके मुद्दे स्थानीय, आपके नेता कहते हैं हम लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता है कि इस देश के भीतर संसदीय लोकतंत्र है और इस संसदीय लोकतंत्र के भीतर हमको जनता के भीतर जनता के मुद्दों के लिए उन पर जाना पड़ता है। और तो बताइए सर, सीबी यादव साहब मैं कह रहा हूँ बांसवाड़ा डूंगरपुर पर जब बीएपी का प्रत्याशी जनता के बीच जाएगा, आप लोगों ने क्या मुद्दे दिए हैं उनके पास, मुद्दे बताइए फिर जवाब लेंगे। हमारे मुद्दे बहुत स्पष्ट है, नंबर एक, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो कुशासन रहा है और जो 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 उनके जो झूठे वादे रहे हैं, चाहे 2 करोड़ के रोजगार हो, चाहे दुगुनी किसान की आमदनी हो, चाहे आदिवासियों के साथ जो अत्याचार किया उन्होंने या कालाधन की बात हुई है, उन सब बातों को हम लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम 5 गारंटियां लेके जा रहे हैं, युवा न्याय गारंटी ले जा रहे हैं जिसमें हम 30 लाख नौकरियों की बात कह रहे हैं, हम उन्हें पक्की नौकरी की बात करते हैं, हम उन्हें स्टार्टअप की बात करते हैं, एक सुरक्षित भर्ती प्रणाली की बात करते हैं, हम महिला न्याय गारंटी के भीतर हम महिलाओं को 50% आरक्षण की बात करते हैं और हर महिला के खाते में, गरीब महिला के खाते में 1 लाख रुपए हम देंगे। किसान न्याय में हम MSP की गारंटी, की लीगल गारंटी देने की बात करते हैं, हम जो GST से मुक्त करने की बात, किसानों के उपकरणों की बात करते हैं और इसी तरह से किसान का जो मुआवजा है वो 30 दिन के भीतर फसल बीमा का मुआवजा उन्हें मिले। इसी तरह से हम श्रमिक गारंटी में 400 रुपए न्यूनतम उनकी आमदनी की, न्यूनतम उनकी रेट निर्धारित करने की बात करते हैं और 25 लाख रुपए का जो चिरंजीव बीमा योजना है, इस तरह की योजना पूरे देश में लागू करने की बात करते हैं। ठीक है, और भागीदारी बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो जनता है सर, जितनी जिसकी हिस्सेदारी है उसकी हिस्सेदारी मिलेगी। यादव जी बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो जनता है, क्या कांग्रेस का आपको लगता है कि हम
मैं कह रहा हूं ये तमाम जो आप लोगों ने वादे किए हैं और एक विजन जो अपना सामने रखा है घोषणा पत्र के माध्यम से, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं बांसवाड़ा डूंगरपुर में जो आदिवासी मतदाता है, क्या उसके जहन में आपके ये विजन, आपका आपने जो विजुलाइज किया आपके नेतृत्व में, क्या आपने उसको बैठा दिया है? क्योंकि तभी वो आपके मतदान केंद्रों पर आपको वोट देगा। नहीं, वहां पे अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बांसवाड़ा में बहुत बड़ी जनसभा हुई है जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के जी और राहुल गांधी जी ने संबोधित किया। आप आश्वस्त हैं कि आपने आपने अपने मुद्दे पहुंचा दिए? गन साहब से एक सवाल ले लेते हैं, ठीक है यादव जी, समय मेरे पास कम है, थोड़ा सा समय जो है माननीय जी ने गद्दारी की आदिवासी के साथ में, ठीक है। आप, मैं कह रहा हूं आप आश्वस्त हैं कि आप लोगों ने अपने मुद्दे पहुंचाने में आप कामयाब हुए हैं। अब सुरेश गर्ग साहब, बांसवाड़ा डूंगरपुर की पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस के पास एक लंबा मैनिफेस्टो है, वो कह रहे हैं वो आश्वस्त हैं कि वो अपना विजन आदिवासी मतदाताओं तक पहुंचा चुके हैं और इस बार वो मतदान करेंगे पंजे पर। कमल जब खिलना चाह रहा है तो क्या मुद्दे आप लोग के पास है? देखिए कमल तो खिलेगा, निश्चित रूप से खिलेगा, बांसवाड़ा में भी खिलेगा, पूरे हिंदुस्तान में भी खिलेगा, 400 पार हमारा जो लक्ष्य है वो उसको प्राप्त करेंगे। अब ये 10 साल की बातें करते हैं तो मैं 10 साल के लिए बता देता हूं, कभी इन्होंने सोचा है कि उज्ज्वला कनेक्शन भी होता है? हमने उज्ज्वला कनेक्शन दिए, इन्होंने 5 करोड़ कनेक्शन फर्जी कनेक्शन दिए, 20,000 करोड़ रुपए साल का घोटाला करते थे इनके, राजीव गांधी खुद बोलते थे 1 रुपए चल के 85 पैसा जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता था, ये स्थिति थी। 36 लाख करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से जनता के को डायरेक्ट पहुंचाए, 36 लाख करोड़ रुपए। अगर यही राहुल गांधी को जो राजीव गांधी जी का जो स्टेटमेंट है 28 लाख करोड़ रुपए ये खा जाते उसके अंदर से, अगर 36 लाख करोड़ रुपए चले जाते तो ये है इनका भ्रष्टाचार का नमूना कि ये कितना। साहब आपके पास क्या है वो बताइए ना, आपके पास देने के लिए क्या है वो बताइए। नहीं हम तो दे, हमारे पास तो विजन है, हमने तो 10 साल के अंदर जो कुछ दे दिया, और अब आने वाले जो है विकसित भारत बनाएंगे, 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान को लाएंगे। केवल महेंद्र जीत सिंह मालविया को अपनी ओर ले लेने से, उनको अपना प्रत्याशी बनाने से आपकी जीत आश्वस्त मान रहे हैं आप, या फिर प्रधानमंत्री की योजनाएं जरा धरातल पर पहुंची भी हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर में? देखिए प्रधानमंत्री की योजनाएं पूरे हिंदुस्तान में पहुंची हुई है, बांसवाड़ा में भी डूंगरपुर में भी पहुंची हुई है। क्यों आपको जरूरत पड़ी फिर महेंद्र जीत सिंह मालविया को कांग्रेस से अपनी ओर खींचने के लिए? नहीं महेंद्र जीत मालविया ने हमारी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उन्होंने ज्वाइन किया है, अच्छी बात है। अगर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से कोई ज्वाइन करता है तो अच्छी बात है, ठीक है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं से, इस सीट पर नए जो गठजोड़ बन रहा है बड़ा दिलचस्प है। मैं आपसे एक वाइंड अप कॉमेंट चाह रहा हूं वीरेंद्र, क्योंकि समय कम है, इस सीट पर क्या स्थिति है और भविष्य की क्या संभावनाएं अब आप एनालाइज कर पा रहे हैं अभी से? बिल्कुल, देखिए राहुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जो आदिवासी जो मेवाड़ और भागड़ इलाका आता है वहां पे आपने देखा होगा कि बीजेपी के पास अभी ऐसा कोई बड़ा चेहरा नहीं था, लेकिन जैसे ही कांग्रेस से महेंद्र जीत सिंह मालवे हैं वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उसके बाद जो बीजेपी है वो अपने आदिवासी जो वोटर्स के अंदर अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर लेती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखेंगे कि कांग्रेस के अंदर जो बागी द्वारा जो विधानसभा सीट है उसके उपचुनाव को लेके भी, वहां पर प्रत्याशी को लेके भी जिस तरीके से कांग्रेस में माथापच्ची चल रही है, इसके अलावा आप देखेंगे लोकसभा सीट को लेके जिस तरीके से बीएपी जो कि भारतीय आदिवासी जो पार्टी है वो अपने मजबूती से जो जो दो मुख्य दल है उनके सामने काफी बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव के अंदर जो ये जो मुकाबला है ये दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, और आप देखेंगे कि जो आदिवासी वोटर्स है वो कहीं ना कहीं उस इलाके के अंदर अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। जी बिल्कुल, और अब यही बड़ा अब यही तो सारा खेल है वीरेंद्र, की जो वोटर अपनी मजबूत पकड़ रखता है उसी को साधने की कोशिश में सभी राजनीतिक पार्टियां लगी होती हैं। फिलहाल मैं शुक्रिया कर रहा हूं यादव जी आपका, सीबी यादव साहब कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुरेश गर्ग जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी पार्टी का पक्ष रखा। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े संवाददाता हैं, हमारे लगातार रिपोर्ट करते हैं। लगातार आज के दावों में हम लोग चर्चा करते हैं राजस्थान के उन तमाम चुनावी मुद्दों पर जिन पर कहीं ना कहीं कुछ पेच फंसा है, कुछ और दिलचस्प बातें जहां से निकल के आ सकती हैं ताकि मतदाता के सामने ये क्लियर हो सके कि उसको किस ओर कहां पर ज्यादा अपना फायदा दिखाई दे रहा है। मतदाताओं का फायदा जरूरी है, इसीलिए हम लोग चर्चा करते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।